हूँ शिवम, और एक बार आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का जो रेसिपी है सिंपल पनीर पोस्तो। आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज का रेसिपी में मैंने कोई मसाला यूज नहीं किया था और इससे बनाना बहुत ही आसान है। तो आप इसे डेफिनेटली घर पे ट्राई कीजिए, बिकॉज बहुत ही टेस्टी रेसिपी और इजीली बना सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पनीर पोस्त तो बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, और सबसे पहले पनीर को हम स्क्वायर करके काटेंगे, और ऐसे ही पूरा पनीर को हम सेम साइज में काट लेंगे। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है, काजू 15 ग्राम, दो टमाटर, दो तीन ग्रीन चिली, 3 टेबल स्पून पोस्तो, और इससे हम एक साथ पेस्ट बनाएंगे। कोई ड्राई मसाला मैंने नहीं लिया, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, कोई भी मसाला हमें नहीं चाहिए इस रेसिपी में। फिर एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया, अभी हम पनीर फ्राई कर लेंगे। ओवन का एक साइड में हम पनीर को फ्राई करते हैं, और एक साइड में 1 चम्मच नमक मिक्स करके हम आधा लीटर पानी गरम करेंगे। और जैसे पनीर फ्राई हो जाए अच्छे से, तो फिर उस गरम पानी के अंदर हम पनीर को कम से कम 5 से 10 मिनट हम भिगो के रखेंगे। तो ऐसे पनीर थोड़ा सॉफ्ट होगा और पनीर का अंदर नमक भी जाएगा, तो इससे पनीर का स्वाद और ज़्यादा हो जाते हैं। दही चाहिए हमें 4 से 5 स्पून। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद जो कढ़ाई में मैंने पनीर फ्राई किया था, उसी कढ़ाई में हम ग्रेवी भी बनाएंगे। तो मैंने पेस्ट डाल दिया, जो पेस्ट मैंने बनाया, और कुछ देर भूनने के बाद हम दही भी हम मिक्स कर देंगे। दही मिक्स करके कम से कम 5 से 10 मिनट हमें पकाना है इसे, और नहीं तो तब तक पकाएंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए। आप अभी देख सकते हैं कि तेल अलग होना चालू हो गया। तो इस टाइम हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने पानी मिक्स कर दिया। ग्रेवी आप आपके हिसाब से बनाइए, अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा पानी ज़्यादा दे सकते हैं। फिर 1 चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे, और इसे मिक्स करके हम पनीर डालेंगे। फिर इसे कम से कम 5 से 6 मिनट हम पकाएंगे। जैसे रेडी हो जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करके फिर 1 मिनट हम पकाएंगे, फिर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो पनीर पोस्तो इज रेडी। आप इसे रोटी और राइस के साथ सर्व कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे आपके साथ और एक अच्छा रेसिपी लेके।